welcome to my channel Trusty Wonders. This is Tanmay and this is a brand new episode of the Pinning Part. तो देखते हैं, चलिए अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं एकदम. अब हम लोग बाहर बहुत बारिश हो रहा है यहाँ पर रावांगला में, अभी रावांगला में है तो देखते हैं. So guys, आप देख पा रहे हैं रात हो चुका है, इस धाम से निकलने में रात हो चुका है क्योंकि यहाँ पर इतना बारिश हुआ और बारिश के लिए हमें रुकना पड़ा. तो अभी हम लोग डायरेक्ट या रात में निकल पड़े कि रावांगला पहुँचना है, तो सीधा जाके हमें राइट लेना है रावांगला. तो आज ही शायद मैं बोल रहा था कि रात को राइट, देखा सिचुएशन ऐसा बन जाता है कि आपको राइट करना ही पड़ता है. तो यहाँ पर रास्ता तो लाइट से अभी है, सीधा जाके लेफ्ट लेना है. आप रास्ते का हालत देखिए ना, इतना बारिश हुआ है, तो बारिश में भी जाना पड़ रहा है. तो प्लीज प्लीज भगवान, मैं भोलेनाथ, बारिश को तुम कम करवा दो. सीधा जाके बाई टर्न लेना है आप लोगों को. तो यहाँ से रावांगला 26 किलोमीटर है, सुना हूँ उस हिसाब से अच्छा रास्ता है. यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी मुझे दिखाई दे रहा है पर जल नहीं रहा है उसका. और आपको पहले ही बोल दिया, मेरा लाइट तो बहुत ही बेहतरीन है. के रास्ते में आ चुके हैं, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है. बहुत बारिश, हमें रुकना पड़ा बीच में. तो कैमरा क्या ऑन करूँ और क्या करूँ, इतना बारिश हो रहा था, एक छोटा सा शेड मिला था. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel के बाद, मतलब बारिश के बाद भी नहीं बोल सकते. बारिश रुकने के बाद हम लोग थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे, फिर बारिश शुरू हो गया था तो भीग के आए. मैं तो रेनकोट पहन लिया था, मैं और मेरा जो पीडियर मेरा वाइफ. तो थोड़ा सा गर्म पानी मिला, हीटर मिला एंड देन आवर सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हुआ. अभी हम लोग डिनर के लिए यहाँ पर आई है तो देखते हैं डिनर में क्या है. एक्चुअली यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और ना ही मेरा मोबाइल में चार्ज है, ना ही मेरा जो एक्शन कैमरा है उसमें चार्ज है. तो आपको एक जगह दिखा देते कि आज रात में मेनू क्या है. तो ये पापड़, दाल, भात, देन ये सब्जी और ये कुछ फ्राई है, देन चिकन है. तो ये वीडियो ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करते. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ऑब्वियसली आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए. ओके, एनीवे थैंक यू. सो गाइस, बैटरी का हालत बहुत ही ख़राब है क्योंकि हमने लास्ट जिस होटल में हमने रुका, तो आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ. यह होटल जहाँ पर हमने रुका था, यह रूम का कंडीशन है. अभी सब सेटअप करने के लास्ट दिन बहुत बारिश था तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर नहीं था उस समय भी, मैंने बोला था लो लाइट कंडीशन था. तो अब जो सिचुएशन है कि मेरा जो एक्शन कैमरा है दोनों बैटरी में कोई चार्ज नहीं है, मोबाइल में भी हाफ से कम चार्ज है. तो पता नहीं कि हम लोग जो नेक्स्ट जर्नी है, मतलब यहाँ से हम लोग बुद्धा पार्क जाएंगे, टिमिटी गार्डन एंड देन शेबोको के घर लौटेंगे, तो उसमें क्या दिखा पाएंगे आपको पता नहीं. बट एनी वेज विल ट्राई कि कुछ भी अगर इस मोबाइल से भी ले सकते हैं या फिर कैमरा को अगर किसी तरीके से हम लोग चार्ज कर लेते हैं दिन दिखाएंगे. ब्रेकफास्ट लेकर हम लोग निकलेंगे बुद्धा पार्क के लिए. तो रहिए हमारे साथ एंड एंजॉय कीजिए ये जर्नी. अगर ये बैटरी सब कुछ फिर से हम लोग किसी तरीके से रिवाइव कर लेते हैं तो अच्छा होगा, फुल जर्नी आपके साथ होगा, वरना कितना तक हम दिखा सकते हैं पता नहीं. सो स्टे विथ अस एंड एंजॉय दिस वर्चुअल जर्नी. हाय गाइस, सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मैं बुद्धा पार्क दिखा पाऊंगा
या फिर वो टेमी टी गार्डन दिखा पाऊंगा तो ओनली इस भैया के कारण, क्योंकि इस भैया ने मुझे यहाँ पर जो चार्ज करने दिया मेरा मोबाइल में एकदम कम चार्ज था। भैया आपका नाम क्या है? निराज। निराज है भैया का नाम। यहाँ पे एक शॉप है, आप देख सकते घड़ी मोबाइल के जो चीज़ें चाहिए, मोबाइल टीवी फ्रिज है, तो अगर कभी भी कुछ खरीदना हो मतलब चाहे वो आप यहाँ पर आइए और आपका मोबाइल चार्जर नहीं खरीदे कुछ भी है तो यहाँ पर आ जाइए आपको मिल जाएगा। आपको चाहे उनका दुकान का नाम है आलम इलेक्ट्रॉनिक्स और ये राबांगला में ही है, मार्केट एरिया में है। तो थैंक यू भैया आपके लिए मेरा ये मतलब वीडियो कंटिन्यू रहेगा। ओके थैंक यू वेरी मच। सो गाइज अभी बाइक भी रेडी हो चुका है, देखा बाहर बारिश देख सकते हैं कि बहुत बारिश हो रहा है, तो मतलब अभी कोई ऑप्शन नहीं है सो हम लोग को निकलना पड़ेगा। तो अभी ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट कर ले रहे यहाँ पर, देन हम लोग निकलेंगे। तो आपको दिखाते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। तो यहाँ पर ऑमलेट है, रोटी है और ये मटर का सब्जी है। तो जो भी है अभी हम लोग यहाँ पे खाना खत्म करके रेडी हो गया। अब शोम का जो रेनकोट का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया और मेरा जो चार्जिंग का प्रॉब्लम था एटलीस्ट मोबाइल में तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और जो करंट आ चुका है अभी मैं अपना एक्शन कैमरा चार्ज में बैठा चुका हूँ तो देखता हूँ कि कितना दूर तक ये जाता है। जो भी है एटलीस्ट उस समय जो कंडीशन था उससे बेहतर हूँ। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेते और उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं बुद्धा पार्क के लिए निकलेंगे। उसके बाद हम लोग टेमी टी गार्डन होकर सीधा निकल जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए। अब सबके पास रेनकोट है, सब खाना शुरू कर दिया सिवाय मुझे भी बैठना है और वेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना बारिश है, मुंह में मास्क है, रेनकोट है, तो आवाज आपको कैसा आ रहा है मुझे भी पता नहीं। यह है हम लोगों का जो जर्नी, रावांगला जर्नी, ये जो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम होते जा रहा है। इतना बारिश अभी 11:30 से ऊपर हो चुका है, हम लोग निकल ही नहीं पाए लेकिन अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो यहाँ से कुछ पेट्रोल भर लेते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं बुद्ध पार्क, बारिश में नहाते नहाते। कोयली को देखिए, यह है कोयली। शोम को देखिए और अभी तो दूसरा कैमरा में निकल भी नहीं सकता हूँ तो देखने का कोई चांस भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको गाड़ी पार्किंग के लिए आपको 20-20 रुपीज पर है। तो हमारा दो कार है तो इट विल बी 40। तो यहाँ पर एंट्री टिकट है टूरिस्ट जनरल पब्लिक 5150। ओके बराबर। तो यह है अंदर का माहौल जो आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ और एक्सपेक्ट भी मत कीजिए और दिखाई देगा इससे ज़्यादा कि बारिश हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए हालत क्या बन चुका है। यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ से भी बुद्धा को नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए मतलब यहाँ पर तो आप तो गाइस देख सकते हैं कंडीशन। मैं छता के नीचे कैमरा पकड़ के खड़ा हूँ। ये है यहाँ का वेदर कंडीशन। बाकी सबका हालत देखिए, सबका वही सेम हालत है। चलिए आपको थोड़ा सा इसको दर्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको हल्का सा गौतम जो बुद्ध है उसका मूर्ति आपको दिखाई दे रहा है। हम लोग अभी सामने जाएंगे, मतलब ये होता है क्या। तो ये हालत है, मतलब आप अगर देख सकते हैं छत्ता के नीचे कैमरा पकड़ के मैं चल रहा हूँ। तो इस तरीके का कंडीशन है, आपको थोड़ा सा उसका दिखाता हूँ। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है और यहाँ के पानी बर्फीले पानी है। कोयली भी डांस कर रहा है खुशी में देखिए। अरे तो यहाँ पर देखिए लोग आते जब बैठते भी है, बैठ के इस जगह का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फूलों के मतलब प्लांट्स है। तो ये जो व्यू है यहाँ पर देखिए कितने सुंदर से लगते। तो बाप रे बाप क्या सिचुएशन है। ये जो बंदोबस्त किया गया है शायद ये रात को लाइट के साथ जलते तो बहुत अच्छा लगता है। ये एरिया अभी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है
तो आपको ये पैनोरामिक व्यू आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए सामने बुद्ध जी। तो ये अभी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है भाई। बारिश कम हो जा वरना यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये जो व्यू है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन छाता पकड़ के इस तरीके का वीडियो मैंने कभी नहीं सोचा या फिर मैंने कभी नहीं किया। तो मैं उस पीछे चले जाता हूँ तो शायद उधर से वो व्यू आपको ज़्यादा दिखा पाऊँगा, बेहतर दिखा पाऊँगा। हाँ यहाँ पर स्लीपर भी कम है, यहाँ यहाँ से लग रहा है। तो देखिए ये व्यू, एक एक कम। तो ये पूरा जो व्यू है देख पा रहे, तो अब रास्ते से आएंगे तो ये रास्ता जो सामने है यहाँ से आपको दिखाई देगा। और ये तो शायद वीडियो शेक भी बहुत हो रहा है, पर इस बारिश में और इतना अच्छा कैसे करूं। ये हम लोग पूरा पीछे की तरफ है। हाँ अरे बोल रहा मित्र, ये पूरा पीछे का व्यू है। यहाँ पे देखिए पूरा आप लोग घुमा सकते हैं, मतलब ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये पीछे से जो है चलो, तो चलिए। सो गाइस यहाँ पर आपको वीडियो अंदर करना या फोटो खींचना अलाउड नहीं है, तो हम लोग बाहर से आए। बहुत ही सुंदर है ये जो अंदर है, यू नो डिफरेंट टाइप ऑफ आइडल्स है और बुद्ध का और भी बहुत सारे मैसेजेज है जो आप अगर कभी भी आए तो इसका अंदर आइए। हम लोग भी गए लेकिन वहाँ पर फोटो अलाउड नहीं था इसलिए हम लोग कर नहीं पाए। चलिए अभी और थोड़ी देर में यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे फिर टेमिटी गार्डन, जो भी वहाँ पे दिखने को मिलता है। बारिश कम होता है तब तो थोड़ा देर रहेंगे वरना सीधे निकल जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल जा रहे हैं, चलिए मिलते हैं टेमिटी गार्डन के जाने के रास्ते पर। रास्ता का जो हालत है देखिए, जगह जगह क्रैक होके रखा है। तो यहाँ से टेमिटी गार्डन होके निकल जाना है, ये पूरा हाथ जम चुका है, मतलब कैसे इसको मूव कर रहा हूँ डोंट नो, पर कोई बात नहीं, हम लोग को जाना है भाई, मजा करने आया हूँ। अब एक्सट्रीम वेदर का तो पता नहीं था, लेकिन चलो ड्राइव में निकले हो तो एक्सट्रीम वेदर आ भी सकता है, सब दिमाग में रख के निकलना पड़ता है। इस वेदर में लैंड स्लाइड इतना खतरा होता है कि आप अगर रास्ता बंद हो जाए तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। इधर ही बैठ जाते हैं। चलिए कॉफी ले पी लेते हैं मोमो। तो गाइस यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने मोमो ले ली, कॉफी पिया और अभी हम लोग रवाना हो रहे थे। तो में देखिए अभी 2:30 तो बज ही चुका है। ओह माय गॉड, बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा, 2:30 बजे को ही। तो हम लोग यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, नामची होके हम लोग जाएंगे। तो गाइस पूरा दारा पूरा जाम हो चुका है, क्यों थे गाइस यहाँ पे हर जगह रास्ता, मतलब किस तरीके से आ रहे हैं तो आपको हम बता नहीं सकते। यहाँ पर देखिए पूरा रास्ता ब्लॉक है,
यहाँ पे पेड़, हम लोग उधर से आ रहे थे तो कोई एक पेड़ गिर गया, यहाँ पे पूरा ब्लॉकेज है, पता नहीं आज क्या होगा। वेरी ओडिट, अब कुछ भी मिल जाए तो शायद रह लूँगा, आज घर जाने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। पानी देखिए ये रास्ते से, पूरा पानी 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 है। जावे ना शोम, जावे ना। Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I got